क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आप लोग कर लेना। मैं एक दफा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ एक सवाल की, बाकी आपको समझ आ जाएगा क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला भाई साइन के जो हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 11, 11.2 में, 11 चैप्टर नंबर 10 की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे जो आपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे साइन अल्फा अपॉन टू, साइन बीटा अपॉन टू, साइन गैमा अपॉन टू, वो लगा के आपने क्या करना है, ट्राइंगल को सॉल्व करना है। और जो भी आपको सारे सवाल गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 सब में सेम ही डेटा है कि आपको तीन साइड दी हुई है और आपने तीन एंगल निकालना है, ठीक है? क्योंकि इन सब हाफ एंगल फॉर्मूले में आपको ए बी सी लाजमी पता होना चाहिए था। तो ए बी सी आपको हर सवाल में गिवन है, आप अल्फा बीटा गैमा निकालोगे। तो मैं एक ही सवाल करवा रहा हूँ जनरल, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आपको टेंजेंट के हाफ एंगल यूज करना है, तो ये वाला सीख लो, बाकी खुद ही आ जाएगा आपको। सी गिवन है 23, ए गिवन है 30 और बी गिवन है 16। और आपको ट्राइंगल को सॉल्व करना है लेकिन टेंजेंट के हाफ एंगल यूज करके करना है। तो सॉल्व करने का मतलब आपको रिमेनिंग अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, गैमा निकालना है। बच्चों याद रखो इस बात को कि जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूले थे साइन के, कॉस के, टेंजेंट के, आप जाके देखो वहां पे आपके पास एक चीज आती थी जिसको हम एस बोलते थे, एस जिसको मैंने बोला था सेमी पेरीमीटर, वो हर फॉर्मूले में आ रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे, 6 सॉल्व करोगे, 7 सॉल्व करोगे, एस की आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो उसका मतलब एस तो आपने हर सवाल में निकाल लेना है। एस क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो निकाल लो, ए यहाँ पे है 23, सॉरी ए यहाँ पे है 13, पी है यहाँ पे 16 और सी है यहाँ पे 23। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 29, 32, 42, 52 को 2 से डिवाइड करो तो एस आ रहा है 26। यार कोई गलती हो सकती है, चेक कर लेना आप लोग भी, ऐसा आपके पास आ गया 26, ठीक है? अब इसके बाद आप अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या था, एस एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे तो आपको साइन के हाफ एंगल यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? साइन का सबसे पहला हाफ एंगल ये वाला फॉर्मूला था। अगर आप इसमें देखो आपको एस चाहिए, आपको बी चाहिए और आपको सी चाहिए, तो एस आपने निकाल लिया, बी और सी सवाल में गिवन है, आप पुट करोगे पूरी चीज कैलकुलेटर में, आंसर निकालना, जब आंसर आ जाए साइन इनवर्स ले लेना, वहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको साइन बीटा अपॉन टू का फॉर्मूला निकालना है तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको ए डालना पड़ेगा, सी सही है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बीटा कैसे निकालोगे, अगेन वही एस पुट करोगे, ए सी पुट करोगे, सॉल्व करना, बीटा आ जाएगा। वंस आपके पास दो एंगल आ जाए तो तीसरा एंगल तो आप यूज कर सकते हो ना, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180, तो तीसरा एंगल वहां से निकाल लेना आप। 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 को भी देख लो। 7 में आपको टेंजेंट के यूज करने हैं। अगर आप देखो टेंजेंट के जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूले थे ना, टेंजेंट अल्फा अपॉन टू, टेंजेंट बीटा अपॉन टू, टेंजेंट गैमा अपॉन टू, सब में आपके पास एस आता था, एस माइनस ए आता था, एस माइनस बी आता था, एस माइनस सी आता था, ठीक है? तो बेहतर है अगर आप इन चीज को पहले ही कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो सही है, पहले ही कैलकुलेट कर लो। मतलब जब आपको पता है कि आपके सवाल में एस माइनस ए आ रहा है, आपके सवाल में एस माइनस बी आ रहा है, आपके सवाल में एस माइनस सी आ रहा है, तो हम काम करते हैं पहले ही इनको निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लगेंगी हमारी। ये है तो एस माइनस ए निकालते हैं, 26 माइनस ए, ए क्या है 13, तो ये हो जाएगा 13। एस है 26 माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है 16, ये हो जाएगा 10। एस यहाँ पे 26 माइनस सी, सी यहाँ पे 23 है। अब हमारे पास कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सॉल्व करते हैं टेंजेंट अल्फा अपॉन टू, फॉर्मूला क्या है, एस माइनस बी एस माइनस सी, फॉर्मूला भी कंफर्म कर लेना यार, कोई मिस्टेक ना हो, एस एस माइनस है, ये टेंजेंट अल्फा अपॉन टू का फॉर्मूला। हर चीज आपने यहाँ पे निकाल ली है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एस माइनस बी आपने निकाल ली है, 10 आया है, मल्टीप्लाई एस माइनस सी आपने निकाला है 3, वो नीचे एस है, एस 26 है, मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस ए यहाँ पे क्या 13 है। तो आप कैंसिलेशन कर सकते हो अगर चाहो तो, यहाँ पे 10 और 26 कैंसिल हो रहा है, लेकिन चलो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो, जरा सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है। तो रूट ऊपर तो 30 है, नीचे है 26 मल्टीप्लाई 13। तो बच्चों आंसर पॉइंट में क्या आ रहा है, टेंजेंट अल्फा अपॉन टू, इसका आंसर आ रहा है 0. राउंड ऑफ करने के बाद 23 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 2307 कर सकते हो, नहीं राउंड ऑफ करने के बाद 0.30 है, ये 307 अगर आप इस तरह लिखना चाहो लिख सकते हो आप।
टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं हम। तो मैंने कैलकुलेटर में, अब कैलकुलेटर में मसला नहीं होगा, कैलकुलेटर में एक्चुअल वैल्यू पुट करूंगा मैं, कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स पुट करूंगा और ए एन एक्स का बटन दबा दूंगा, तो कैलकुलेटर मुझे सही आंसर दे रहा है, 16.59 डिग्री। ये आंसर आया बच्चों अल्फा अपॉन टू का, जब आप टेंजेंट को लेके जाओगे वो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा ना, मतलब ये वाला स्टेप, टेंजेंट इनवर्स 0.307। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली आपके पास वैल्यू आ रही है अल्फा अपॉन टू की, जबकि आपको चाहिए अल्फा, तो आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टू से, यहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा 33.18 डिग्रीज। तो ये अल्फा तो आपके पास आ गया। सेम काम बच्चों आपने बीटा के लिए करना है, मैं करवा नहीं रहा बार बार, एक मसला होगा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो टेंजेंट बीटा अपॉन टू, इसके फॉर्मूले में क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। सब वैल्यूज आपको पता है ऑलरेडी, आपने पहले ही निकाल ली थी, पुट करना, सॉल्व करना, टू से मल्टीप्लाई करना, बीटा आ जाएगा। और वंस आपके पास बीटा आ जाए तो फिर आप वो तीसरी दफा फॉर्मूला यूज नहीं करना, तीसरी दफा वही यूज करना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है, वहां से गैमा निकाल लेना। ठीक है, तो 5, 6, 7 में आपने यही काम करना है, हाफ एंगल फॉर्मुलों के जरिए से ट्राइंगल को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो बच्चों, गौर से जरा देखना कि जितना बड़ा एंगल होता है ना, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक ट्राइंगल बना है, इसको मैं इस तरह बनाता हूँ, ये एंगल है। ठीक है, जितना ये एंगल बड़ा होगा इसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी। कंसीडर कर लो मैं एंगल थोड़ा बड़ा करता हूँ, सामने वाली साइड और बड़ी होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी। इसको इस तरह समझ लो आप, ये एंगल बन रहा है, अब सामने वाली साइड इस तरह आप ज्वाइन करते हो ना आपस में, तो जितना एंगल कम होगा, ये वाला एंगल जो मेरे हाथ के दरमियान बन रहा है, तो उसके सामने वाली साइड भी उतनी छोटी होती जाएगी, और जितना एंगल बड़ा होता जाएगा इसके सामने वाली साइड भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। इसको आप दूसरी तरीके से क्या बोलोगे, जितना छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी उतनी छोटी होगी, और जितना बड़ा एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो अगर किसी ट्राइंगल में, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, 9 आप लोग खुद कर लेना, कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और आपको ए बी सी की वैल्यूज दे दी है, तो क्वेश्चन बता सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी सी की वैल्यूज देख के कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। सी पे कौन सा एंगल बनता है, गैमा, एक्सेलेंट। ठीक है, कैसे पता चला, आप देखो इन सब साइड में से तीनों साइड आपको गिवन है, सबसे बड़ी साइड है सी। आप एक ट्राइंगल बनाओ आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। कंसीडर कर लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, सी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल सी। तो देखो ये जो सी पे एंगल बनता है गैमा, अगर सी सबसे बड़ी साइड होगी तो उसका मतलब सी के जो सामने वाला एंगल गैमा है वो भी सबसे बड़ा होगा। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि अगर सी सबसे बड़ी साइड है बाकी साइड के कंपैरिजन में, इसका मतलब जो सी के सामने वाला एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो आपने यहाँ साइड्स को देखना है, सबसे बड़ी साइड सी है, इसका मतलब गैमा जो है वो सबसे लार्जेस्ट एंगल है। और क्वेश्चन नंबर 9 में जब आपको बोला जाएगा स्मॉलेस्ट, तो बिलफर्ज अगर इसी सवाल में आपको स्मॉलेस्ट निकालना हो तो ए, ए पे कौन सा एंगल बनता है, अल्फा। इसका मतलब ये जो साइड ए होती है ना, इसके सामने वाला एंगल अल्फा होता है, तो अल्फा सबसे छोटा एंगल होगा यहाँ पे। अल्फा बीटा गैमा में सबसे छोटा अल्फा होगा और सबसे बड़ा गैमा होगा। इस सवाल में आपको लार्जेस्ट बोला हुआ था, तो हम पहले लिख देते हैं कि लार्जेस्ट एंगल आपको मालूम करना है, लार्जेस्ट एंगल इस ट्राइंगल में होगा गैमा, वो मुझे मालूम करना है। ठीक है, अब मालूम करने का प्रोसीजर क्या होगा बच्चों, सिंपल केस है, कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, क्या लगता है, मैंने इंस्ट्रक्शन दी नहीं आप लोगों को, मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब तीन साइड गिवन हो तो कौन से लॉ यूज करना है, इतनी देर में तो बंदा देख के बता देता है। कोसाइन, हाँ लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। लॉ ऑफ साइन वैसे भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ साइन में मिनिमम दो एंगल तो आते हैं, आपको कोई भी एंगल नहीं पता यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे। लॉ ऑफ साइन तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब भी तीन साइड गिवन हो आंखें बंद करके लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। इंस्ट्रक्शन देने का फायदा यह है कि पेपर में जनरलाइज बात ही आती है कि ट्राइंगल को सॉल्व करो, तो जब भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी तो आप अपने हिसाब से जो मैंने बातें बताई नहीं है ना, कि तीन साइड हो तब भी लॉ ऑफ कोसाइन लगाओ, दो साइड एक एंगल हो तब भी लॉ ऑफ कोसाइन लगाओ, अगर दो एंगल और एक साइड गिवन हो तब लॉ ऑफ साइन लगाओ,
तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ट्रायंगल को सॉल्व करना है। आगे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उसमें भी यही काम करना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा वाला यूज करेंगे? आपको गैमा निकालना है ना, आपको पूरा ट्राइंगल थोड़ी ना सॉल्व करना, आपको बस गैमा निकालना है, तो आप गैमा वाला यूज करो। ये लॉ ऑफ कोसाइन था जिसमें गैमा आता था। तो आप वैल्यूज पुट कर दो, ए है 6 का स्क्वायर, बी है 8 का स्क्वायर और सी हो जाएगा 9.4 का स्क्वायर अपॉन 2ab। बी यहाँ पे क्या है 8। तो बच्चों सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आपको गैमा निकालना है, गैमा किस तरह निकालोगे? कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ और कैलकुलेटर में सॉल्व करना, यहाँ से आपके पास गैमा आ जाएगा। इस सवाल में जस्ट आपको गैमा निकालने क्यों बोला गया, आपको पूरा ट्राइंगल सॉल्व नहीं करना, जस्ट गैमा निकालना था जो लार्जेस्ट एंगल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में स्मॉलेस्ट है तो वहां पे देख लेना, जो साइड सबसे छोटी है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, देख लेना उसमें। अब आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह 3 ही वर्ड प्रॉब्लम आज करेंगे, भाई कल देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग। एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, ट्रायंगुलर बिल्डिंग हमारे यहाँ नॉर्मल ट्रायंगल नहीं होती, हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बना रहे होते हैं। ट्रायंगुलर बिल्डिंग अगर आप ऊपर से देखो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिल्डिंग है तो वो इस टाइप की बिल्डिंग होगी। अगर आप टॉप से देखोगे, आप छत पे जाते हो, अगर आपको एक हेलीकॉप्टर में देखा जाए, आप जब छत देखते हो तो ऊपर से छत आपको अपने घरों की इस तरह नजर आती है, स्क्वायर होगी रेक्टेंगल होगी, जब आपने देखा होगा तो ऊपर से देखोगे ऐसी नजर आएगी। लेकिन जो ट्रायंगुलर बिल्डिंग होती है ना, उसकी तीन ही साइड होती है, हमारी तो चार साइड है ना, बैक वाली, फ्रंट वाली, साइड वाली, ये वाली साइड, चार साइड होती है। लेकिन ट्रायंगुलर बिल्डिंग जिसकी बात करें फिर उसकी तीन साइड ही होंगी। अगर आप उसको टॉप से देखोगे ना तो ट्रायंगल नजर आएगा। कंसिडर कर लो ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, यहाँ पे भी एक स्ट्रीट जा रही होगी, एक स्ट्रीट यहाँ पे होगी, एक स्ट्रीट यहाँ पे होगी, मतलब गली, एक गली इस तरह जा रही होगी, एक गली इस तरह, एक गली इस तरह, अगर वो घर अकेला मौजूद है। अगर तो उसके साथ है तो फिर तो वो गली नहीं होगी। लेकिन कंसिडर कर लो अकेला घर है जो ट्रायंगुलर है, उसके तीनों तरफ जो है ना वो स्ट्रीट जा रही है, तीन ही साइड होंगी उसकी। तो आपको क्या बोला, दैट फेसेस 13.6 मीटर अलॉन्ग वन स्ट्रीट। वो कह रहे हैं कि जो ट्रायंगुलर बिल्डिंग की एक साइड जो है उसकी लेंथ है 13.6, जो एक स्ट्रीट की तरफ है, 13 मीटर अलॉन्ग अनदर स्ट्रीट के कोई एक और गली जा रही है, उस वाली साइड की लेंथ क्या है, 13 है उसकी मीटर, आई गेस मीटर ही होना चाहिए। हाँ, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट, जो उन्होंने गिवन की हुई है ना कि एक साइड की ये वाली जो गली जा रही है इसकी तरफ इस बिल्डिंग की क्या लेंथ है, 13.6, और ये जो गली जा रही है इसकी बिल्डिंग की लेंथ क्या, 13। तो ये जो दोनों स्ट्रीट है इनका जो एंगल है वो आपको दे दिया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 72, ये वाला। थोड़ा आप एज्यूम करो ना कि एक स्ट्रीट इस तरीके से जा रही होगी, एक इस तरीके से जा रही होगी, तो इन दोनों स्ट्रीट के दरमियान जो एंगल आपको दिया हुआ वो क्या है, 72 डिग्री। तो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट मेजर 72 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 72 डिग्री, ये आपको डेटा गिवन है। करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है ना उसकी आपको लेंथ निकालनी है यहाँ पे। अब जरा देखो क्या करना है। अच्छा जी, डायग्राम अपने हिसाब से बना लो आप, 13 और 13.6 में इतना खास फर्क नहीं है, तो अगर आप अंदाजन भी डायग्राम बनाओगे तो ऑलमोस्ट सेम ही लेंथ आपको नजर आएंगी। तो एज्यूम कर लो ये वाली साइड जो है ये 13 मीटर वाली है, ये वाली साइड जो है ये 13.6 मीटर वाली है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 72 डिग्री बन रहा है। इन दोनों स्ट्रीट्स के दरमियान जो एंगल है वो सवाल में गिवन है, तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों को इस तरह बनाओ, आप इन दोनों को इस तरह बनाओ, आप इन दोनों को यहाँ पे ले लो, फर्क नहीं पड़ता। इनके दरमियान वाला एंगल 72 डिग्री है, ये फर्क पड़ता है। ये नहीं कि आप इनको इस तरह बनाओ और 72 डिग्री आप यहाँ पे बना दो, गलत हो जाएगा वो। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपको गिवन है 72 डिग्री। तो जरा नाम देते हैं इस ट्राइंगल को, इसको ए बोल दो, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और सवाल में जो गिवन है वो है गैमा। आपको क्या निकालना है, आपको थर्ड साइड निकालनी थी, मतलब ये आपको बी गिवन है, आपको ए गिवन है, और आपको थर्ड साइड मतलब सी जो है वो यहाँ पे निकालना है। तो पहले आपने डायग्राम बनाई, उसके बाद आपने लेबलिंग कर ली, तो लेबलिंग के मुताबिक आपको ए 13.6 गिवन है, बी 13 गिवन है, और सी आपको रिक्वायर्ड निकालना है। अगर आप लेबलिंग चेंज करोगे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम चेंज हो जाएंगे। नाम चेंज होने का मतलब अगर आप यहाँ पे ए को ले रहे हो तो अब जो तीसरी साइड है वो ए कहलाई जाएगी, तो नाम में फर्क होगा। अगर आप इसकी नेमिंग अलग तरीके से करोगे, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा, तीसरी साइड की वैल्यू वही आएगी,
नाम में फर्क हो सकता है कि अगर आपने नेमिंग चेंज की तो इसको आप शायद ए बोले या इसको शायद बी बोले, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल केस है बच्चों ये, अभी आप लोगों ने किया है, एग्जैक्ट इसी किस्म का लॉ ऑफ कोसाइन आपने यहाँ पे यूज करना है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, आपको ए गिवन है 13.6, आपको बी गिवन है 13, और आपको यहाँ पे गैमा गिवन है 72 डिग्री। ये है दो साइड और एक एंगल, और एंगल भी कौन सा है, इंक्लूडेड एंगल, मतलब इनके दरमियान के एंगल आपको गिवन है। और निकालना आपको सिंपल क्या है, सी यहाँ पे निकालना है। तो अगेन जब दो साइड एक एंगल गिवन होता है तो आप यूज करते हो लॉ ऑफ कोसाइन, आपको यहाँ पे सी निकालना है तो सी वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। सब वैल्यूज आपको यहाँ पे पता है, आपको ए भी पता है 13.6 का स्क्वायर, बी आपको पता है 13 स्क्वायर, अगेन 13.6 13 कॉस गामा, गामा यहाँ पे क्या है 72 डिग्री। इस पूरी चीज को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सी का आंसर चाहिए, सी स्क्वायर करनी चाहिए। आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट लोगे, जो भी आंसर आया होगा उसका आप रूट लोगे, और फिर फाइनल आपके पास एक आंसर आ जाएगा, सी की कोई भी लेंथ आ जाएगी जिसका यूनिट मीटर होगा, क्योंकि बाकी दो का मीटर है तो इसका भी मीटर होगा, और इस तरीके से आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, देख लो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 10 किया ना हमने अभी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की ना मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ अंदाजन बना रहा हूँ, ठीक है। आमतौर पे जनरल ट्राइंगल भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जनरल ट्राइंगल क्या होता है, नॉर्मली इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होते हो आप जनरल इस तरीके, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल बना नहीं रहा। क्यों नहीं बना रहा, मुझे बहुत खुशी है सवाल आप लोगों की बुक में मौजूद है, ताकि मैं एक्सपोज कर सकूं कि जो हमारे टीचर सही तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं देते ना, वो सवालों कैसे सॉल्व करवाते। मुझे बहुत खुशी है सवाल मौजूद है, लास्ट बुक में भी था ये सवाल एग्जैक्ट। तो खैर सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन क्या होती है यहाँ पे। गिवन क्या है, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज वाई यूनिट, वो बोल रहे हैं कि ट्राइंगल की एक साइड जो है वो वाई यूनिट है। अब वाई क्या हो सकता है, कुछ भी एक वैल्यू होगी, 2, 3, 5 पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अदर साइड जो है वो 3 times as long है जो कि पुरानी साइड थी, तो अगर एक साइड जो है वो वाई यूनिट है तो दूसरी साइड क्या है, इसके 3 times है, मतलब 3y होगी। एंड द एंगल बिटवीन द टू साइड, और इन दोनों साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 35 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स एंड द थर्ड साइड, मतलब आपको कंप्लीटली ट्राइंगल यहाँ पे सॉल्व करना है। सिचुएशन क्या है, आपकी मर्जी, आप डिफरेंट तरीके की डायग्राम बना सकते हो। आप एज्यूम कर लो कि एक साइड जो है उसकी लेंथ है वाई यूनिट, जो दूसरी साइड आपको गिवन है ना उसकी लेंथ हम बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों साइड के दरमियान एंगल 35 डिग्री है, तो तकरीबन मैं अंदाजन 35 डिग्री बना देता हूँ। एज्यूम कर लो तकरीबन ये 35 डिग्री है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है, जो दूसरी साइड है इसकी लेंथ 3 times है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेंथ 2 है तो दूसरी साइड की लेंथ 6 होगी, इससे 3 गुना ज्यादा है। अगर इसकी 5 है तो उसकी क्या होगी, 15 होगी। तो मैंने अंदाजन तकरीबन 3 यूनिट इसकी लेंथ बना दी अंदाजन, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आए। तो अगर ये वाई है तो ये क्या होगा, वाई है तो ये होगा 3y, क्योंकि इससे 3 times ज्यादा है ये, और तीसरी साइड ये वाली है, इसको भी बना देते हैं। मुझे बताओ ये डायग्राम जो मैंने बनाई है इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक काम करते हैं, हम लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग किस तरह करेंगे, वही एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा जो कि सवाल में गिवन है, यहां पे बनेगा बीटा और यहां पे बनेगा गैमा। अच्छा, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ये आपकी डायग्राम बन गई। डायग्राम करने के बाद आपने लेबलिंग भी कर दी। सवाल आपको क्या लिखा हुआ है कि दो साइड आपको गिवन है, आपको तीसरी साइड निकालनी है, और एक एंगल गिवन है तो बाकी दो एंगल आपको निकालने, मतलब एक साइड और दो एंगल, इन सिंपल केस पूरा ट्राइंगल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आंसर आएंगे ना साइड्स के, वो वाई की फॉर्म में ही आएगा। जब ये दोनों वाई की फॉर्म में, तो तीसरी साइड भी वाई के फॉर्म में ही आएगी, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एंगल जो है ना उनकी प्रॉपर वैल्यू आ रही होगी। सही है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात, आप तीसरी साइड कैसे निकालोगे, एज्यूम कर लो तीसरी साइड को क्या हमने नाम दिया, ए के बराबर दिया, आसानी से आ सकती है। अगर आप देखो ना आपको डाटा गिवन क्या है, ये दोबारा हम डाटा लिखते हैं, आपको गिवन है बी है 3y, अच्छा जी सी है y, और अल्फा गिवन है 35 डिग्री, ये आपको पता है। निकालना क्या है आपको, a निकालना है
बीटा निकालना है और गैमा निकालना है। तो अगर आप ये केस देखो ना, ये वही दो साइड और एक एंगल वाला केस है जिसमें इंक्लूडेड एंगल आपको गिवन है। बी और सी का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? अल्फा होता है। तो सिंपल अगेन, दो साइड एक एंगल गिवन हो तो हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं कौन सा वाला? ए स्क्वायर वाला, क्योंकि अल्फा आपको पता है ना, ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन आपने यूज करना है। तो वैल्यू जरा पुट करते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 3y का स्क्वायर। 3y का आपको स्क्वायर करना है डायरेक्ट। चलो मैं कर देता हूँ। 3y का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सी यहाँ पे क्या है? y, तो ये y स्क्वायर ही हो जाएगा। -2bc, b 3y है और c यहाँ पे y है। cos अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है? 35 डिग्री। इस पूरी चीज को हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे अननोन आ रहा है एक y। ठीक है, कैलकुलेटर में क्या पुट करना है बताता हूँ। 9 + 9y² + y² ये तो हो जाएगा 10y² ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो y है और ये जो y है, ये तो y स्क्वायर है। मैं इसको y स्क्वायर को साइड पे कर दूंगा। नंबर्स की बात करते हैं अभी। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -6 आएगा। और -6 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? cos 35 से। तो अभी सिर्फ नंबर की मैंने बात की है। -2 को 3 से करो -6, -6 को आपने करना है cos 35 से। और y इंटू वाई क्या होता है? वाई स्क्वायर के बराबर। तो अब ये -6 को जरा करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। -6 × cos 35, तो आंसर आ रहा है -4.91। तो सिचुएशन ये बनेगी, ये है 10y² और ये है -4.91y² ये आ रहा है। तो 10 - 4.91 ये आंसर आ जाएगा 5.08। राउंड ऑफ अगर करोगे तो 5.09 हो जाएगा। ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। वाई स्क्वायर को आपने एज इट इज कॉपी करना है, जो नंबर्स है ना उनको आपस में आप कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये आपके पास आइए ए स्क्वायर की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल क्या करो, रूट लो। वाई स्क्वायर का रूट लोगे तो ये तो सिंपल वाई हो जाएगा। 5.09 का रूट लेते हैं हम, तो स्क्वायर रूट ए एन एस का बटन, आंसर आ रहा है 2.25। ये बच्चों आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, देख लो इसको। y को बस इग्नोर करना है और सिंपल कैलकुलेशन जो है ये आप कैलकुलेटर में परफॉर्म कर लेंगे। तो जो तीन अननोन थे उसमें से एक जो है वो आपने मालूम कर लिया। अब अगर आप देखो, आपको तीनों साइड यहाँ पे पता है, आपको ए भी पता है, आपको बी भी पता है, आपको सी भी पता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब दो साइड एक एंगल गिवन हो, पूरे सवाल को आप लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी और लॉ की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा? आपको अल्फा गिवन है ना, बीटा निकालना है आपने, तो बीटा वाला कोसाइन लॉ यूज करो। कॉस बीटा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यार वैल्यूज पुट कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मतलब वैल्यूज दिखा देना कि ए सी बी की वैल्यूज क्या है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम इतना नहीं है। ए क्या है यहाँ पे? 2.25, 2.25 का स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे जब आप पुट करोगे ना, मैं चलो पुट करके दिखाता हूँ। 2.25 और इस पूरी चीज का आप स्क्वायर करोगे। C की वैल्यू क्या है? y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। माइनस b की वैल्यू क्या है? 3y, ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2ac, a है अगेन यहाँ पे 2.25y और c यहाँ पे क्या है? y। बताना क्या चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ऊपर देखो ना, तीनों में y स्क्वायर आ रहा होगा। इसमें भी y स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी y स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी y स्क्वायर आ रहा है, तो आप ऊपर y स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और नीचे y को y से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी y स्क्वायर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर को कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से वजह मैंने आपको बता दी है। ऊपर से भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास नंबर बचेंगे, उन नंबर्स को आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या बचेगा? 2.25 का स्क्वायर प्लस, यहां से जब वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो सिंपल 1 बच जाएगा और -9 हो जाएगा ये। और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 × 2.25। तो आंसर यहां पे आ रहा है -0.653। ये आ गया कॉस बीटा का आंसर। अब आपको बीटा का आंसर निकालना है, कैलकुलेटर में आप इसको कॉस इनवर्स ले लो। जब कॉस इनवर्स लोगे तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 130.8। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, राउंड ऑफ करने में पॉइंट में चल जाता है। 130 इसका आंसर है ना। अब ये ना आप लोगों का 135 आ रहा हो, वो थोड़ी मिस्टेक है, पॉइंट पॉइंट में हो जाए वो, इससे कोई इशू नहीं होता।
तो बीटा आपके पास आ गया, अब रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, गैमा। गैमा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा है यहाँ पे बच्चों 35, बीटा है यहाँ पे 130.8। सॉल्व करो जरा। तो गैमा आपके पास यहाँ पे आ रहा है 14.25 डिग्री, ये गैमा आ गया। अगर आप देखो ये चीज जो मैंने निकाली है, ये डायग्राम वेरीफाई हो रही है। कैसे, आप बीटा को देखो, आपको दिखने में लग रहा है बीटा 125 130 होगा, दिखने में आप आइडिया लगा सकते हो कि 130 आ रहा होगा ये। और गैमा को आप दिखने में लगा सकते हो 15 20 डिग्री होगा, ये वैल्यूज एग्जैक्ट मैच कर रही है जो डायग्राम आपके पास आई है। तो अंदाजन मैंने डायग्राम बनाई है, लेकिन आप अंदाजा लगा कह सकते हो कि यार हाँ यार आपका आंसर ठीक आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो इतना करीब आंसर नहीं आता, मिस्टेक होती है तो आंसर भी थोड़े फालतू आ रहे होते हैं। तो एक्चुअल डायग्राम अगर आप अंदाजन, एक्चुअल मैंने बनाई भी नहीं है खैर, क्योंकि वाई मुझे नहीं पता वाई क्या चीज है, लेकिन अंदाजन मैंने एस्टिमेशन की है कि अगर ये वाई है तो इसके 3 गुना होगी। ये अंदाजन सब काम किया, आपको दिखने में लग रहा है कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे जरा 5 मिनट दो और मैं आपको बताता हूँ इसका गलत सॉल्यूशन क्या है। इसको अगर लॉ ऑफ साइंस से जो टीचर सॉल्व करवाते हैं और गाइड में हर जगह सॉल्व होता है, जो एम्बिगुअस केस मैंने कल कहा था ना, वो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे नजर आएगी सवाल के अंदर। एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा यहाँ पे, आप क्या करो, एज्यूम कर लो आपने यहां तक वर्किंग की है, इसके बाद आप लॉ ऑफ साइन यूज करो यहाँ पे। अब लॉ ऑफ साइन कैसे यूज करोगे, आपको अल्फा पता है ना, आपको बीटा और गैमा निकालना है। कंसीडर कर लो मैं यहाँ पे बीटा निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लॉ ऑफ साइन यूज करूंगा, साइन अल्फा अपॉन ए साइन बीटा अपॉन बी। सब एग्री करेंगे इस बात से भाई, यही करना है। ठीक, आपको ए भी पता है सवाल में निकाल लिया आपने, आपको बी भी पता है सवाल में गिवन था, आपको अल्फा भी गिवन है, तो आपको बीटा निकालना है, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। आप लिखोगे साइन बीटा, इस बी को जाके मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो बहुत बच्चों वाला तरीका लग रहा है, एम ई सर ने पता नहीं तरीके मेहनत की यहाँ पे। बी यहाँ पे क्या है, बी है 3 वाई, अल्फा यहाँ पे क्या है 35 डिग्री, और ए यहाँ पे क्या है 2.25 वाई। अगेन बच्चों वाई से वाई तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में जाना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है साइन 35 डिग्री से डिवाइडेड बाय 2.25। तो कैलकुलेटर बच्चों यहाँ पे आपको आंसर दे रहा होगा 0.765, ये है साइन बीटा का आंसर। आप लोग मासूम लोग हो, सिंपल बीटा निकालोगे, साइन इन्वर्स करोगे, यही करोगे ना, एग्री करते हो सब इस बात पे। जब सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है ये चीज, तो यहाँ पे मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। जरा देखो बीटा का यहाँ आंसर क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आया था, मुझे बताओ मैंने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या मिस्टेक की हुई है, कुछ मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, एग्जैक्ट लॉ ऑफ साइन प्रॉपर मैंने यूज किया, कोई वैल्यू में मिस्टेक नहीं की। यहां पे बीटा आ रहा है 130, यहां पे बीटा आ रहा है 49, ये है लॉ ऑफ साइन का एम्बिगुअस केस। आपको नहीं पता चलता किस सवाल में। अब आप लोग कितने मासूम बच्चे हो, आप लोग यहाँ पे बीटा निकालोगे, बीटा निकालने के बाद आप सिंपल गैमा निकालोगे, इस प्रॉपर्टी से गैमा भी गलत आएगा क्योंकि बीटा आपने गलत निकाला है। और आप लोगों ने क्या गलती की यहाँ पे, कोई भी गलती नहीं की। तो यहाँ पे आता है वही एम्बिगुअस। अच्छा टीचर बताया करवाते, टीचर ये नहीं करवाएगा। अब मैं जरा ट्रिक बताता हूँ आपको, टीचर ये नहीं करवाएंगे पहले, जिन्होंने करवाया है ना, ये बहुत पुराना सवाल है, पुरानी बुक में भी था, मैं सबके नोट्स टीचर के, क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास आते रहते हैं डिफरेंट टीचर से, तो टीचर ज्यादातर यहाँ पे पता क्या करवाते हैं, ज्यादातर टीचर की बात करो, वो पहले बीटा नहीं निकालेंगे, वो पहले गैमा निकालेंगे। गैमा में मसला नहीं होगा, जरा ऑब्जर्व करना, अगर आप यहाँ पे ये वाला लॉ ऑफ साइन यूज करोगे ना, साइन अल्फा अपॉन ए साइन गैमा अपॉन सी, यहां से आप सब सी को उधर ले जाना, सी साइन अल्फा अपॉन ए प्रॉपर निकालना, यहां से गैमा निकाल के देख लेना बच्चों, गैमा 14.25 ही आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाला सॉल्यूशन अगर आप पहले गैमा निकालोगे तो आपको इशू नहीं मिल रहा होगा, आप गैमा निकालोगे, वंस आपके पास गैमा आ जाएगा, उससे जब आप बीटा निकालोगे तो आपके पास ठीक आएगा। तो टीचर ये वाला सॉल्यूशन करवाते हैं और वो पूरी बात नहीं बताते बच्चों को। जब बच्चे घर में पहले बीटा निकाल लेते हैं या पेपर में पहले बीटा निकालते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तभी मैंने कहा था साइन लॉ का ये एम्बिगुअस केस होता है। अब मसला है कि इसका हल क्या है, आपको पता कैसे चलेगा, बिलफर्ज अगर आप इस स्टेज पे आप पहले बीटा निकाल लो, मुझे कैसे पता चला ये आंसर गलत है, मतलब मैं आपको कैसे बता, अगर मैंने ये सॉल्यूशन नहीं किया मैं डायरेक्ट कैसे बता सकता हूँ गलत है। बताने का तरीका पता है क्या, आप डायग्राम देख लो, डायग्राम में आपको कहीं से लग रहा है कि बीटा 49 होगा भाई, ये 90 होता है, तो 90 से बड़े ही है बीटा, इतना मुझे कंफर्म पता है। क्या ये डायग्राम वेरीफाई कर रही है कि बीटा यहाँ पे 49 आ रहा है। और अगर आप गैमा निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से तो गैमा भी देखना बहुत बड़ा आ रहा होगा, गैमा आई गेस 80 90 के करीब आ रहा होगा, देख लेना जो भी है गैमा। तो क्या आपको लगता है गैमा 80 डिग्री होगा यहाँ पे। तो दैट्स वाई जब साइन लॉ यूज किया जाता है ना, तो फिर आंखें खोल के देखा जाता है क्या वो चीज सेंस बैठ भी रही है नहीं बैठ रही।
दैट्स वाई मैंने अपने बच्चों को क्या बोला है कि यार छोड़ दो इसको, फंस जाओगे। बेस्ट क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करो, कभी धोखा नहीं देगा आपको लॉ ऑफ साइन का। धोखा पता क्यों होता है, क्योंकि साइन जो है ना वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम ही वैल्यू होती है इसकी। आप क्या करो, आप कोई भी एक पॉइंट पिक करो ना, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट पिक किया, जो इस पॉइंट की वाई वैल्यू मिल रही है ना आपको यहाँ पे, सेम ही यहाँ पे एक पॉइंट होगा उसकी वाई वैल्यू भी यही है। अगर आप देखो दोनों तरफ वाई वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की सेम वैल्यू आती है। ये मसला होता है साइन के अंदर, दैट्स वाई इसको बोला जाता है एम्बिगुअस केस ऑफ साइन लॉ। दैट्स वाई कल मैंने क्लास में बोला था कि इससे दूर रहना, कोसाइन लॉ यूज करना। तो ये सवाल आ गया, आप लोगों को मेरी बात ज्यादा अच्छे तरीके समझ आई होगी कि क्या खतरा होता है। तो बेहतर है आप ये यूज करना, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको, सॉल्यूशन आपका हमेशा यहाँ पे ठीक रहेगा। सही है, समझ आई मेरी बात सबको यहाँ पे, कोई मसला? हाँ ना करके बता दो कि जो पूरी कहानी बताइए, समझ आ गई है तो। यस सर, आ गई जी सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ इसका। मैं इस सॉल्यूशन को नहीं करना, इसको नहीं कंसिडर करना, ये बस इतना सॉल्यूशन है। तो मसला वही है ना, सिर्फ सॉल्यूशन करवाना काफी नहीं होता ना। ये सवाल आज से 2 साल 2-3 साल पहले मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, क्योंकि मैं पहले गाइड को फॉलो करता था ना, तो मैंने पहले प्रॉपर गैमा निकाल लिया, फिर बीटा निकाला, आंसर मैच कर रहा था, सब चीजें ठीक थी। उस स्टूडेंट ने मुझे सवाल पूछा, मैंने कहा मैं सर पकड़ के बैठ गया था यार, मैं इसमें कुछ गलती नहीं कर रहा, मतलब क्यों आंसर खराब आ रहा है, साइंस समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे, नहीं समझ आया था मुझे। फिर जब यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर, तब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा तो मेरे जहन में आया कि मतलब पढ़ा था गूगल पे कहीं एम्बिगुअस केस ऑफ लॉ ऑफ साइंस, तब जब उसके बारे में पढ़ा उसके बाद समझ गया अच्छा ये चीज होती है। तो मैंने आप लोगों को तभी बता दिए ताकि आप लोग दूर रहो इस चीज से। आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का, वो है 12, देख लेते हैं 12 में क्या लिखा हुआ है। 12 में लिखा हुआ है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की बात की गई है ना, जरा बनाते हैं ये पैरेललोग्राम कैसी शेप होती है। जो पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है कि जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। अगर आप देखो इसमें ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, तो फोर साइडेड फिगर होती है पैरेललोग्राम, और ऐसी फोर साइडेड फिगर है कि जिसकी अपोजिट साइड जो है वो आपस में इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, इसको आप पैरेललोग्राम कहते हो। तो पैरेललोग्राम में एक साइड बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है। दिखने में आपको लग रहा है कि ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, तो ये चीज लिखी हुई है, इफ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ पैलोग्राम इज 55 सेंटीमीटर, कि जो लार्जर साइड है कंसीडर कर लो इसकी लेंथ कितनी है 55 सेंटीमीटर, एंड वन डायगनल ऑफ पैलोग्राम, डायगनल क्या होता है बच्चों, ये डायगनल होता है, दो डायगनल होते हैं, किस तरह भी बन सकते हैं किस तरह भी बन सकते हैं, एंड वन डायगनल ऑफ पैलोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। वो कह रहे हैं कि जो एक डायगनल है वो क्या कर रहा है, वो 30 और 50 डिग्री बना रहा है एंगल पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहली बात एडजेसेंट साइड क्या होती है, इसका मतलब होता है साथ वाली साइड। आप इन दो साइड को भी ले सकते हो, आप इन दो साइड को भी ले सकते हो। सबसे इजी केस क्या होता है कि साथ वाली साइड है तो आप इन दो साइड को ले लो, तो ये जो डायगनल है ना ये इन दोनों साइड से क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री और 50 डिग्री। दिखने में आपको लग रहा है ये थोड़ा छोटा एंगल है उसको हम 30 डिग्री कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा एंगल है इसको 50 डिग्री कर लेते हैं, और बात सेंस भी बना रही है, क्यों, ये छोटी वाली साइड है ना तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, और ये बड़ी वाली साइड है सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये डायग्राम सेंस भी बना रही है। तो लार्जर साइड 55 सेंटीमीटर है, डायगनल जो है वो एडजेसेंट साइड के साथ 30 डिग्री और 50 डिग्री बना रहा है, ये सिचुएशन है विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल, आपको बोला गया है कि इस डायगनल की लेंथ मालूम करो यहाँ पे। अब आप सवाल में स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर आपने यही डायगनल क्यों बनाया, ये भी तो बना सकते थे यार, तो खुद सेंस आपकी काम कर रही है ना, 30 50 क्या होता है 80 डिग्री, आपको लग रहा है ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है, डेफिनेटली 80 से बड़ा ही है, ये ऑलमोस्ट 110 120 कुछ ना कुछ होगा, तो ये वाला डायगनल आपने कंसिडर नहीं करना, आपने ये वाला कंसिडर करना, क्योंकि ये दिखने में आपको ओवरऑल पूरा एंगल 80 डिग्री का लग रहा है। तो दैट्स वाई जो डायग्राम आपने बनाई है ना, तो थोड़ी सेंस भी आपने यूज करनी है कि डायग्राम में आपको कौन सा बड़ा कौन सा छोटा एंगल लग रहा है, ठीक है, वरना फिर उल्टी चीज हो जाएगी, बड़ी साइड के सामने छोटा एंगल कहीं लिखा हुआ होगा तो ये मसले हो जाएंगे सारे। ये जो सवाल आपको गिवन है, आपको क्या करना है, ये डायगनल निकालना है,
जरा नेमिंग देते हैं इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको नाम देने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें इसे लेना देना नहीं है, हमें डायगनल निकालना है तो हम ये वाला डायगनल ट्राइंगल यूज करेंगे ए बी सी। इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करके हम जो डायगनल है ना इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो अभी कंसिडर कर लो ऊपर वाला हाफ जो है ना ये हम यूज नहीं कर रहे, मैं इसको डैश बना देता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, वो बस पहलों का नाम बनाने के लिए आपने यूज किया था। असल जो नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है ना ये, इसको आपने कंसिडर करना है। तो जरा नेमिंग देते हैं, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ठीक है, ए पे जो एंगल बन रहा है इसको आप बोल दोगे अल्फा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको आप बोल दोगे बीटा, यहाँ पे जो एंगल सॉरी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको आप बोलोगे गैमा, और यहाँ पे जो बोलोगे इसको बीटा। ठीक है, पैरेललोग्राम की बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है जहन में रखना, ये मैंने आप लोगों को, पैरेललोग्राम की नहीं होती, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जब दो पैरेलल लाइंस जो है जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, कंसीडर कर लो एक ये साइड थी एक ये साइड थी, इनको इंटरसेक्ट किया गया है ना, तो एज्यूम कर लो कि जब दो पैरेलल लाइंस हो और उनको इंटरसेक्ट किया जाता है तो ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होते हैं। तो एज्यूम करो अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा, ये बताना चाह रहा हूं। दोबारा बताता हूं कि जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, इसी तरह ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको वैसे ही अज्यूम कर लो कि एक पैरेलल लाइन ये है एक पैरेलल लाइन ये है, इसको इस लाइन ने कट किया है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना 50 डिग्री सेम यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा होगा, इसी तरह जो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है ये छोटा सा एंगल यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 30 बनेगा, लेकिन इस वाले एंगल से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें इस एंगल से वास्ता है क्योंकि हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, जिसका मतलब गैमा जो है 50 डिग्री है। डायग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया है, देख लो इसको, कोई मसला हो रहा है तो पूछ लो। इसको आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर दो इस टाइप के पैरेलल लाइन और आप इस तरह कट करो इनको, तो अगेन वही चीज है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होंगे, तो आप इसको उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप बिल्कुल पैरेललोग्राम की सेंस में लेके जाना चाह रहे हो ना कि दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन कट कर रही है, मतलब इस डायग्राम को आपने थोड़ा पुट्ठा होकर देखना है तो ये डायग्राम बन जाएगी, अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूं तो इस टाइप की डायग्राम बन जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। खैर, तो इस तरह आपने फिगर आउट कर लिया गैमा यहाँ पे 50 डिग्री है। तो अब आपके पास जो ट्राइंगल है ना, मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको थोड़ा अलग बना रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप का ट्राइंगल है कि इसको आपने ए बोला है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल पता है सवाल में 30 डिग्री, आपको ये वाला एंगल पता है 50 डिग्री, तो बता सकता है ये वाला एंगल क्या होगा? सोचो जरा। 100। एक्सेलेंट भाई, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल 180 होते हैं, तो 30 प्लस 50 ये 80 हो गया, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको 100 होना चाहिए, तभी ओवरऑल पूरा सम जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन सब कॉन्सेप्ट से आपके पास बीटा आ जाएगा, इसकी मैं वर्किंग भी शो कर देता हूँ। आपको अल्फा गिवन है 30 डिग्री, गैमा आपने निकाल लिया 50 डिग्री, आपको सी गिवन है 55 सेंटीमीटर, ये सिचुएशन आपको गिवन है। ठीक है, आपको ए के बारे में नहीं बताया, हमें जरूरत भी नहीं है मालूम करने की, हमें काम करते हैं बीटा निकाल लेते हैं। बीटा कैसे निकालोगे, वही 180 में से आपने अल्फा और गैमा को माइनस कर देना, तो आपके पास बीटा आ जाएगा। बीटा क्या है, 100 डिग्री, ये बीटा आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे बी निकालना है, बी निकालने के लिए बच्चों आपको ए और सी पता होना चाहिए, या आप यहाँ पे साइन लॉ भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको डेटा क्या गिवन है, आपको यहाँ पे दो एंगल गिवन थे और एक साइड गिवन थी, एक ही साइड गिवन थी ना, कोई और तो नहीं, हाँ एक ही साइड आपको गिवन है, तो एक साइड और दो एंगल आपको गिवन है और आपको क्या करना है, आपको ये बी निकालना है। तो जब दो एंगल और एक साइड गिवन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं, जरा यूज करते हैं लॉ ऑफ साइन। आपने क्या यूज करना है, आपको बी निकालना है, तो आपको वो वाला लॉ ऑफ साइन यूज करना है जिसमें क्या आता हो, बी आता हो पहली बात, और उसके साथ वो चीज हो जो आपको पता हो। आपको कौन सी साइड पता है, आपको सी साइड पता है, तो लाजमी लॉ ऑफ साइन में सी आना चाहिए और जो आपको निकालना है मतलब बी ये आना चाहिए। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे लॉ ऑफ साइन ये वाला यूज करोगे, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा,
अगर आप ऐसा लॉ ऑफ साइन यूज कर लो जिसमें ए आता हो, तो ए तो आपको पता ही नहीं है, तो बी कैसे निकालोगे फिर? इसलिए जो साइड आपको पता है वो लिखोगे और जो आपको निकालनी है वो लिखोगे। एंगल तो आपको सारे पता है ना, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। और लॉ ऑफ साइन का जो एम्बिगुअस केस मैंने बताया था ना, वो उसी वक्त आता है जब आप लॉ ऑफ साइन से एंगल निकालते हो। जब आप लॉ ऑफ साइन से साइड निकालते हो ना, बी सी ए, कोई मसला नहीं होता उस वक्त तो कोई इशू नहीं है। मसला उस वक्त आता है जब आप एंगल निकालते हो साइन लॉ से। तो इसका मतलब जो मैंने केस बताया था ना, जब दो एंगल और एक साइड गिवन हो और आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है, तो कोई इशू नहीं होगा आपको उसके अंदर। आंखें बंद करके बेफिक्र होकर आप आराम से निकालोगे उसके अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे साइड निकालनी होगी। तो ये बी किसके बराबर हो जाएगा? साइन बीटा को उधर ले जाओ, ये बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और आपको डायगनल निकालना था ना, डायगनल यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? बी से कर रहे हो, तो डायगनल कैसे निकालोगे? वैल्यूज पुट कर दो। सी है यहाँ पे 55, साइन बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है 100 डिग्री, और गैमा यहाँ पे है 50 डिग्री। दैट्स इट। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं। 55 साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन 50। तो बच्चों कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है इसका कि बी है 70.71 सेंटीमीटर। अब देखो आंसर अपना वेरीफाई करो डायग्राम से, देखो बातें मैच हो रही है नहीं हो रही। अब जरा बातें मैच करके देखते हैं। अगर आप देखो गैमा 50 डिग्री है और उसके सामने वाली साइड क्या है 55 सेंटीमीटर, और गैमा क्या है 50 डिग्री, बीटा यहाँ पे क्या है? बीटा यहाँ पे है 100 डिग्री। इसका मतलब बीटा यहाँ पे बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और गैमा छोटा है ना, गैमा 50 डिग्री है, तो 50 के सामने अगर 55 सेंटीमीटर की साइड है, तो 100 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो 55 से बड़ी होगी। ये बात सेंस बना रही है? तो आप देखो सामने वाली साइड क्या आ रही है, 70 आ रही है। डायग्राम से बात आप वेरीफाई कर रहे हो कि बीटा सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी है। अगर आंसर आपका 55 से छोटा आता, आप समझ जाते कहीं ना कि आपने मिस्टेक की है, क्योंकि ये बात सेंस बना दी थी ना कि बीटा गैमा से बड़ा है और बीटा के सामने वाली साइड छोटी है। सेंस नहीं बनाएगी ना ये, तो वैल्यूज देख के भी आप वेरीफाई कर सकते हो, हाँ यार आपका आंसर जो है वो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है? मतलब एक बड़ी साइड होगी और एक छोटी साइड होगी। तो उन्होंने बता दिया एक 35 सेंटीमीटर की है, एक 25 सेंटीमीटर की है, चार साइड लेकिन दो ही काफी है, बताना बताता हूँ क्यों। और उसके बाद लिखा हुआ है वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो होता यह है कि ये जो पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम की खासियत ही होती है जो इसकी अपोजिट साइड है ना, सबसे पहली बात वो पैरेलल होती है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, अगर आप देखो दोनों पैरेलल साइड है और इक्वल भी होती है। अगर ये 35 सेंटीमीटर की है तो ये भी 35 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरीके से ये दो साइड जो है ये भी आपस में पैरेलल है और आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 25 सेंटीमीटर की है तो ये भी 25 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर आपको पैरेललोग्राम की कोई भी दो साइड बताई हुई है ना, बाकी दो साइड आप खुद निकाल सकते हो। जैसे एक साइड बड़ी है, ये थोड़ी आप लोगों को देखने में बड़ी लग रही है, इसको हम 35 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं, और ये देखने में थोड़ी छोटी है, इसको हम 25 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो जो इसके अपोजिट साइड होगी ये भी 35 सेंटीमीटर की है, और जो इसके अपोजिट है वो 25 सेंटीमीटर की होगी। तो कहने का मतलब दो अगर आपको बता देना तो बाकी दो आप खुद ही निकाल सकते हो, क्या मसला है इसमें? ये आपके पास आ गया। ये तो पहली सिचुएशन गिवन थी। दूसरी सिचुएशन गिवन थी कि पैरेललोग्राम के बेसिकली चार एंगल बनेंगे ना, जब चार वर्टेक्स होंगे तो ऑब्वियसली चार एंगल बनेंगे। तो चार में से एक एंगल आपको दे दिया, उन्होंने बोला है कि पैरेललोग्राम का जो एंगल है वो 36 डिग्री है, एक एंगल इसका 36 डिग्री है, ये आपको बोला गया है। तो आप अपनी डायग्राम में जाओ और खुद देखो 36 डिग्री कौन, तकरीबन 36 डिग्री क्या लग रहा है। अब भाई ये वाला एंगल तो इतना बड़ा एंगल है, अब इसको 36 बोलोगे तो बेवकूफ हो गया, फिर वो चीजें मैच नहीं कर रही होंगी। तो एहतियातन ये वाला अगर आप एंगल देखो तो तकरीबन 36 डिग्री का आपको आइडिया हो जाएगा कि 36 डिग्री का, ठीक है? अब पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा, ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि एक एंगल इसका 36 डिग्री है। मैंने आप लोगों को बताया यहां पे 36 आप बना नहीं सकते, यहां पे 36 बना नहीं सकते, क्योंकि ये तो एंगल 90 से ग्रेटर है, 36 के कैसे बनेंगे, पहली बात। तो आपने डिसाइड किया मैं यहां पे 36 लिख देता हूं। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी देखी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 36 डिग्री है तो ये वाला भी 36 होगा, दिखने में भी आपको लग रहा है। अच्छा, रिमेनिंग दो एंगल कैसे आप निकालोगे? सिंपल प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम या किसी भी फोर साइडेड फिगर में
चारों वर्टेक्स जो होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, फोर साइडेड फिगर जो है जिनके चार वर्टिसेस हैं, उनके चार एंगल बनते हैं, उन चारों एंगल का जो सम है ना वो 360 के बराबर होता है। जैसे ट्राइंगल में आपने पढ़ा था तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसी तरीके से जो फोर साइडेड फिगर है उसमें जो जो आपके पास पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल है, इन सबके वर्टिसेस में जो एंगल बन रहे होते हैं ना चार एंगल, उन चारों एंगल को अगर आप सम करो तो वो क्या होता है 360 डिग्री के बराबर आता है। तो अब हमें अगर दो एंगल पता है ना तो आप ये वाला आसानी से मालूम कर सकते हो, ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, जैसे ये दोनों इक्वल थे इसी तरह ये भी इक्वल होंगे। मालूम करने का तरीका क्या होगा, जरा सवाल में सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ वहां पे हम इसको मालूम करते हैं। तो एज्यूम कर लो मैं इसको थीटा कह देता हूँ, एज्यूम कर लो ये। अब जरा सॉल्यूशन पे आते हैं, अभी और डाटा बनेगा यहाँ पे लेकिन ये काम सॉल्यूशन में कर लेते हैं ना, कि फ्रॉम फिगर आप ये लिख सकते हो, फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें इस बात का आइडिया है कि हमने क्या बात पढ़ी है कि चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा, भाई ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, जितना ये एंगल है उतना यही होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, आपस में इक्वली होते हैं। तो चारों एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 72 डिग्री, थीटा प्लस थीटा ये हो जाएगा 2 थीटा। 72 को जाके उधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360 माइनस 72 288 डिग्री, और यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, 2 को डिवाइड कर दो 144 डिग्री। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि जो आपके पास ये वाला एंगल है ये कितना है 144 डिग्री है। तो अगर ये 144 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा 144 डिग्री होगा, सही है। तो कहने का मतलब पैरेललोग्राम के चारों एंगल जो है वो आपको पता चल गए, बात आपकी कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, करना क्या है आपको, सवाल सिंपल ये है कि आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। डायगोनल्स दो बनेंगे, एक डायगोनल आपका इस तरह बनेगा, एक डायगोनल इस तरह बनेगा, ये दो डायगोनल है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाए, इन दोनों डायगोनल्स की आपको बोला गया है कि आप यहां पे लेंथ मालूम करो। तो यहां पे आप दो ट्राइंगल बनाओगे और उसके मुताबिक आप अपनी सारी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो डाटा हम इधर नहीं बनाते, जब हम ट्राइंगल बना रहे होंगे ना उस वक्त ही डाटा बना देंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करो इन डायगोनल्स को, अगर आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो, कैसे, इसको ए बोल दो, ये बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है और ये डी वर्टेक्स है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये हेडिंग बना देते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल की बात की जा रही है, एसी, ये वाला जो डायगोनल है ना इसकी बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एसी की बात करते हैं। जरा एसी डायगोनल की लेंथ अगर आपने निकालनी है तो सिंपल आपको एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो ए से स्टार्ट हुआ है, बी पे गया है, सी पे गया है वापस, तो पूरा आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल को मैं अलग से यहां पे बना रहा हूं, तो ये ट्राइंगल इस तरह बनेगा, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या पता है, नेमिंग करते हैं इसकी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए पे जो एंगल बनता है वो अल्फा है, जो कि सवाल में कितना है 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री है। इसी तरह ये वाला एंगल भी क्या था, ये वाला एंगल हमें नहीं पता बाय द वे, सॉरी ये गलती होगी मुझसे, ये एंगल नहीं पता हमें, ठीक है, एक सेकंड के लिए जरा गौर से सुन लो बात, ये एंगल हमें नहीं पता, उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह ये कि ये एंगल इतना सा है ये वाला। अब आपको नहीं पता ये एंगल कितना होगा, ओवरऑल पूरा 36 है ना, लेकिन ये जो एंगल है ना जो डायगोनल और ये जो साइड बना रही छोटा सा जो एंगल है ये आपको नहीं पता, और आप ये भी नहीं कह सकते कि 36 को डिवाइड बाय 2 कर दें, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि डायगोनल जो है वो एंगल के बिल्कुल मिड से गुजरता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम के अंदर। तो जब आप ये अलग से ट्राइंगल बनाओगे ना तो ये छोटा सा जो एंगल है ये जो डायगोनल और जो ये ए बी साइड है इसके दरमियान छोटा सा जो एंगल बन रहा है ये आपको नहीं पता कि क्या है ये, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये भी आपको नहीं पता क्या है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। हमें क्या पता है, हमें ये वाला पता है, क्या है जी, आपने निकाला था 144। ये आपके पास सिचुएशन बन गई है कि आपको एक एंगल पता है 144 डिग्री, आपको एक साइड पता है ये वाली, तो मैंने बोला था 35 सेंटीमीटर, ये है 25, ये थोड़ी बड़ी बन गई है, थोड़ा छोटा कर देना इसको, ये साइड क्या है 25 सेंटीमीटर जो यहाँ पे गिवन थी, ये है 35 सेंटीमीटर, तो दो साइड आपको पता है और जो बी पे एंगल बन रहा है वो आपको पता है। तो अगर आप यहाँ पे डेटा बनाओ तो आपको सबसे पहले ए पता है, ये यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर,
आपको यहाँ पे सी पता है, सी यहाँ पे है 35 सेंटीमीटर, और आपको तीसरी चीज क्या पता है, एंगल जो बी पे बन रहा है जिसको आप क्या बोलोगे, बीटा 144 डिग्री, ये आपको पता है। निकालना क्या है, आपको बोला था कि डायगनल की लेंथ निकालो, डायगनल यहाँ पे क्या है, ये पूरा डायगनल है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब आपको मालूम यहाँ पे क्या करना है, बी मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, सिंपल यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करोगे, मैंने आप लोगों को बहुत दफा बोला है जब दो साइड एक एंगल गिवन हो तो आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है, तो आप लिखो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब कौन सा कोसाइन लॉ यूज करना है जिसमें बी और बीटा आता हो, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, वैल्यूज पुट कर दो, ए हो जाएगा 25 का स्क्वायर, सी हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, बीटा क्या है यहाँ पे 144 डिग्री। सॉल्व करना बच्चों, आप लोगों के पास बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा रूट, रूट लोगे तो यहाँ पे आपके पास बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बी का मतलब क्या, लेंथ ऑफ डायगनल AC, ये जो AC डायगनल है इसकी लेंथ को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, तो आपके पास एक डायगनल की लेंथ आ जाएगी। अब आपका टास्क है दूसरे डायगनल की लेंथ निकालना, दूसरा डायगनल क्या है, ये वाला, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ डायगनल BD, ऐसा डायगनल जो स्टार्ट हो रहा है बी से एंड हो रहा है डी के ऊपर, बीडी आप नॉर्मली बोलते हो, स्टार्ट एंड तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खैर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन खैर बीडी डायगनल जो है ये आपको यहाँ पे मालूम करना है। तो अब आपने कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना है आपकी मर्जी है, अगर आप इसको देखो ना ये डायगनल बन रहा है, तो आप दो ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हो, या तो ये वाला पूरा ट्राइंगल ABD है ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो, या आप ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे BCD, आपकी मर्जी, आप कोई भी ट्राइंगल कंसीडर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ABD वाला, इसको जरा मैं अलग बनाता हूँ, तो कंसीडर करते हैं एग्जैक्ट, मैं कोशिश करूंगा इसी टाइप की शेप बने, ये थोड़ी बड़ी साइड है, अच्छा जी ये थोड़ी छोटी साइड होगी, मतलब एक मैंने ये वाली साइड बनाई, एक मैंने ये वाली साइड बनाई, ठीक है, और अब मैं ये डायगनल बना रहा हूँ पूरा, ये डायगनल बन गया, तो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है डी, अगर आप डायग्राम में देखो ABD, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये वाली साइड है 35 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 25 सेंटीमीटर, और डायगनल BD जो है यही आपको निकालना है सवाल में। तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोल दो, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और डी के सामने वाली साइड को स्मॉल डी कह दो आप। नेमिंग मैंने वही यूज किया जो सवाल में नेमिंग की हुई थी ना, मैंने चेंज नहीं की, वही वाली यूज किया, ये आपके पास यहाँ पे डायगनल बन रहा है। तो निकालना आपको क्या, आपको निकालना था डायगनल BD जो बी से लेकर डी तक जा रहा था, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए का नाम दिया है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। सवाल है कि ये वाला एंगल कितना है, मुझे पता है साइड और इस वाली साइड के दरमियान पूरा एंगल क्या बन रहा था, 36 डिग्री बन रहा था, 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके दरमियान पूरा एंगल क्या बन रहा था, 36 डिग्री का, तो ये वाला एंगल मुझे पता है कितना है, 36 डिग्री। तो जरा डाटा बनाते हैं, आपको यहाँ पे बी पता है 5 सेंटीमीटर, आपको डी पता है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, और बी और डी के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, जो ए के ऊपर बन रहा है एंगल जिसको आप बोलोगे अल्फा, वो आपको पता है 36 डिग्री। निकालना क्या है आपको, डायगनल निकालना है BD, मतलब निकालना है आपको यहाँ पे, जरा निकाल लेते हैं। अगेन आपने क्या यूज करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है, ए और अल्फा जिसमें आता हो लॉ ऑफ कोसाइन में, तो वो कौन सा था, ए स्क्वायर। अब थोड़ा मॉडिफाई कर लो क्योंकि आपने नेमिंग थोड़ी चेंज की हुई है, यहाँ पे ए के अलावा दो साइड है, बी सी नहीं है, बी और डी है, तो नेमिंग उस हिसाब से कर लो क्योंकि आपने यहाँ पे ABD कंसीडर किया ना, ताकि मैंने कहा नेमिंग एग्जैक्ट वही रहे ताकि आप लोगों को कंपेयर करने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो आप लॉ ऑफ कोसाइन लिखोगे वो आप ए स्क्वायर लिखोगे इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की जगह आप यहाँ पे डी स्क्वायर की वर्डिंग यूज करो, -2BD cos अल्फा, ठीक है। हर सवाल में नहीं करना वाला, फिर पूछोगे डी पे एंगल वाले, डी पे जो एंगल बनेगा उसको नाम क्या देंगे, इस सवाल के अंदर ये चीज वर्क कर रही है तो चलो कर लो, मैंने आप अलग से भी नेमिंग कर सकते हो कोई इशू नहीं है, आप सवाल में बोल दो कंसीडर ट्राइंगल जो ABD है, उसके बाद नेमिंग अगर अपने हिसाब से करना चाह रहे हो कर लो, कोई इशू नहीं है। बहरहाल तो यहाँ पे आप देखो वैल्यूज पुट कर दो, बी यहाँ पे क्या है 25 का स्क्वायर, डी यहाँ पे है 35 का स्क्वायर,
बी डी और उसके बाद क्या आता है कॉस अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है 36 डिग्री। सॉल्व करना बच्चों, ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट लेना जो भी आंसर आएगा और आपके पास फाइनल ए का आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ जाएगी। आप ऑब्जर्व करोगे इस डायगोनल की लेंथ ज्यादा होगी, इस डायगोनल की लेंथ कम होगी, सेंस बनाती है बात। क्योंकि अगर आप देखो ये वाला डायगोनल बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस, तकरीबन डबल का फर्क होगा, डबल का होगा मतलब ये जो है ये तकरीबन डबल होगा इस वाले के। तो जब आप वैल्यूज निकालोगे तो आप इस चीज को अंदाजा भी लगा लोगे थोड़ा। मुझे बताओ सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू? यार अगला जो सवाल है ना उसमें मसला ये है कि ये पुरानी बुक में भी मौजूद होता था। मैं बताऊंगा इसमें इशू कहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे बुक में जो सॉल्यूशन आया हुआ है, बुक में जो आंसर आया हुआ है, जो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा उससे मैच नहीं करेगा। कोई टीचर मेरा वाला सॉल्यूशन करवाते हैं, कोई टीचर बुक वाला सॉल्यूशन करवाते हैं, मतलब बुक ने सॉल्यूशन ही लिखा हुआ, बुक के मुताबिक आंसर। यही सवाल जब पुरानी बुक में था तो वो मेरे सॉल्यूशन के मुताबिक है, जब नई बुक में उन्होंने आंसर लिखा हुआ है वो एक और सॉल्यूशन के मतलब मुताबिक लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बुक वाले खुद क्लियर नहीं है लास्ट बुक में और इस बुक में, क्या हम इस सवाल को सॉल्यूशन किस तरह करना है। सेम वर्डिंग थी, हर चीज यही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा करेक्ट तरीका यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? और वो आगे मेंशन भी कर देना कि यार खैर मैं जब करवाता तब आप लोगों को बताता हूँ। पहले बेसिक बात समझ लो यहाँ पे, ये डायरेक्शन बच्चों को आमतौर पर समझ नहीं आती कि जब आप बनाते हो ना जो कंपस होती है, कंपस जो डायरेक्शन के लिए यूज होती है, उससे बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सीन होता है। ये जो टॉप है इसको आप कहते हो नॉर्थ, नॉर्थ के जो राइट पे आ रहा है इसको आप कहते हो ईस्ट, नॉर्थ के जो वेस्ट पे नॉर्थ के जो लेफ्ट पे आता है उसको आप बोलोगे वेस्ट, और जो नीचे आता है उसको आप बोलते हो साउथ। अगर आप कंपस लिखोगे ना गूगल पे आपको इस टाइप की मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप कंपस को देखोगे ना तो चार लाइनें और भी होती है, एक इस तरह जा रही होती है, किस तरह जा रही होती है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ये डायरेक्शन जो है ना ये बिल्कुल दरमियान में होती है, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल दरमियान में, मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, बिल्कुल दरमियान में ये होती है। और इसके ऊपर लिखा होता है एन ई, सही है? अगर आप इसको देखोगे इसके ऊपर लिखा होगा एन डब्ल्यू, अगर इसको देखोगे इस पर लिखा होगा एस डब्ल्यू, और इसको देखोगे इसको लिखा होगा एस ई। इस तरीके से आपको कंपस मिलेगी जब आप गूगल करोगे, ठीक है? तो ये एन ई का मतलब क्या होता है, एन ई को आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये वाली चीज होती है नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये जितने बेसिकली चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान जो आपके पास ये लाइन आ रही है इसको आप नॉर्थ ईस्ट कहोगे, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके की कंपस में आपको डायरेक्शन नजर आएंगे। ये बात अगर आपको समझ आ जाए ना तो फिर हम इस सवाल पे आते हैं, ठीक है? अब जरा सवाल में देखो क्या सिचुएशन लिखी हुई है। सवाल में लिखा हुआ टू हाइकर्स, हाइकर्स मेरे ख्याल में जो पहाड़ वहाड़ पे चलते हैं, बाइसाइकिल पे चलते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा गूगल कर लेना हाइकर्स क्या होते हैं, सुना भी होगा नाम आप लोगों ने। टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो दो हाइकर्स हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। वन वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, जब आपको बोला जाता है ना हेडिंग ईस्ट या आपको बोला जाएगा ड्यू ईस्ट, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। एक होता है हेडिंग ईस्ट का वर्ड बोला जाए या ड्यू ईस्ट का वर्ड बोला जाए, इसका मतलब बिल्कुल ईस्ट की डायरेक्शन में, कि अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल ईस्ट की डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है? तो दो हाइकर थे, एक जो है वो बिल्कुल ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा क्या लिखा हुआ था, अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, कि जो दूसरा है ना वो 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा है। इसके बारे में मैं बताता हूँ क्या मतलब है। हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक, कह रहे हैं कि पहला वाला जो हाइकर है उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, सॉरी 9 किलोमीटर ट्रेवल किया, जो दूसरा वाला हाइकर है उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो बताओ वो एक दूसरे से कितना दूर है। अभी डायग्राम में कैसे नजर आएगा देखते हैं जरा, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है। तो भाई यहां से दोनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया था, जो पहला वाला था वो ईस्ट की डायरेक्शन में गया था, कंसीडर कर लो यहां पे जाके टोटल 10 किलोमीटर सॉरी 9 किलोमीटर उसने कवर कर लिए। तो ये हाइकर नंबर वन था जो ईस्ट की तरफ गया था और उसने 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। असल मसला क्या है, मसला यह है कि जो दूसरे हाइकर के बारे में उन्होंने बात बोली है ना, उन्होंने बोला है कि दूसरे हाइकर ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अभी जो वर्डिंग है ये कंफ्यूजिंग है, क्यों कंफ्यूजिंग है? कोई टीचर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, यहां एंगल में मसला है, क्या मसला है?
कि कोई टीचर कहते हैं कि यार ये जो 55 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये वाई एक्सिस से बनेगा 55 डिग्री, कोई टीचर ये कहते हैं, और कोई टीचर कहते हैं कि यार ये जो 55 डिग्री बना हुआ है ना, ये कहां से बनेगा, ये एक्स एक्सिस से बनेगा, इस तरह ये झगड़ा है सर। जो दो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, कोई टीचर्स क्या कहते हैं 55 डिग्री बन रहा है नॉर्थ से, ये वाला एंगल 55 डिग्री है, जिसको वाई एक्सिस कह लो ना, कि नॉर्थ से बन रहा है 55 डिग्री, और कोई टीचर कहते हैं कि भाई जो एंगल बन रहा है ये ईस्ट से बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से बन रहा है 55 डिग्री, और दोनों सॉल्यूशन में फर्क आ जाएगा। अगर आप इसको 55 डिग्री ले रहे हो, इस वाले सॉल्यूशन के मुताबिक ये कितना होगा, क्वेश्चन बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा? जी बताओ, इतना मुश्किल नहीं है भाई, 55 35 डिग्री होगा ये। तो अब देखो दोनों सॉल्यूशन में फर्क है, यहाँ पे 55 डिग्री ले रहे हो, यहाँ पे 35 डिग्री ले रहे हो, आंसर दोनों के मुख्तलिफ आएंगे। अब जो आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है वो आई गेस 35 डिग्री के हिसाब से लिखा हुआ है, जबकि मैं जो करवा रहा हूँ आपको 55 डिग्री से करवा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो वर्ड लिखा हुआ है ना नॉर्थ ईस्ट, ये कोई ढंग का वर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का वर्ड बोला इस वक्त जाता है कि जब आप बिल्कुल 45 डिग्री पे दरमियान में हो, तब ये नॉर्थ ईस्ट का वर्ड बोला जाता है। तभी मैंने आप लोगों को शुरू में ये चीज बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो वर्ड है वो बोला इस वक्त जाता है जब आप ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल दरमियान में 45 डिग्री से जा रहे हो, तब नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो वर्ड बोले जाते हैं, एक होता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये करेक्ट तरीका है बोलने का। अब इनका मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है? ईस्ट के नॉर्थ में। इसका मतलब क्या है? ईस्ट के नॉर्थ में। तो ये आपका ईस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट होती है। अगर आपको कोई बोले नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फॉर एग्जांपल 55 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ईस्ट से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ईस्ट से एंगल बनेगा, ये पूरा 55 डिग्री होगा, अगर वर्डिंग है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर आपके पास वर्डिंग आ रही है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब है नॉर्थ से वो ईस्ट की तरफ जा रहा। अब ये सिचुएशन बनेगी, ये नॉर्थ है आपका, अब वो नॉर्थ से जा रहा है ईस्ट की तरफ, अब ये आपका 55 डिग्री होगा। तो ये वर्डिंग्स होती हैं जो सिचुएशन को क्लियर करती हैं कि कौन सी सिचुएशन आ रही है यहाँ पे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब सवाल में उन्होंने सिंपल बोला भाई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कोई ढंग की वर्डिंग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इसको आप बोलते हैं, दैट्स वाई कंफ्यूजन आती है। अब मैं कुछ टीचर से ग्रुप में ऐड हूँ, कुछ टीचर ने ये एक्सक्यूज दिया है, वो कहते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट इस तरह लिखा जाएगा, मतलब ये लिखा हुआ था उन्होंने बोला था कि अगर नॉर्थ ईस्ट इस तरह लिखा जाएगा तो इसका मतलब पता नहीं ये लिया जाएगा, और अगर हाइफन के साथ लिखा जाएगा डैश बना के तो इसका मतलब ये लिया जाएगा। मुझे ये आर्गुमेंट ऊपर से चला गया, कोई सेंस नहीं बनाती इस बात की, तो इंग्लिश के लिखने का तरीका है, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो दैट्स वाई जो करीबी है ना नॉर्थ ईस्ट को, आप अगर करीबी तौर पर समझो तो वो ये सिचुएशन बनती है, नॉर्थ ईस्ट को आप कह सकते हो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ये। ठीक है, तो दैट्स वाई, अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ थोड़ा दूर है, नॉर्थ ईस्ट से आपके जहन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं आएगा, आपके जहन में नॉर्मली नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ रहा होगा। और वैसे भी अगर आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ो तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जो है ना वो दरमियान का दिया जाता है इस तरीके से। तो अगर उन्होंने बोला ना 55 डिग्री, तो इन दो लाइंस के दरमियान वाला एंगल 55 डिग्री दिया होगा। ठीक है, अब इसमें इख्तलाफ है भाई, मैंने आपको वजह बता दी है कि दोनों सोल्यूशन अलग अलग होते हैं। पेपर में क्या करना है? पेपर में बस आपने मेरा वाला सोल्यूशन करना है और उसके साथ एक वर्डिंग ऐड करनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्डिंग आपने क्या लिखनी है? आपने लिखना है कि ये चीज लिखोगे कि हेयर नॉर्थ ईस्ट, लिख देना कि आई एज्यूम कि नॉर्थ ईस्ट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कि भाई आपने वर्डिंग जो है ना वो इंसानों वाली नहीं सवाल में दी, दैट्स वाई जो नॉर्थ ईस्ट है मैं उसको इक्विवेलेंट ले रहा हूं नॉर्थ ऑफ ईस्ट के, मतलब इस चीज के, दैट्स वाई मैं ये वाला एंगल जो है ये मैं 55 डिग्री बनाऊंगा। ठीक है, तो ये शुरू में वर्डिंग लिख देना, उसके बाद आपने यहां पे एंगल क्या बना देना है? 55 डिग्री बनाना है। अब आपने उसके मुताबिक सॉल्यूशन करना। ठीक है, दोनों बातें मैंने आप लोगों को हर चीज क्लियर कर दी है। अब जरा सॉल्यूशन पे आ जाओ, किसी का कोई सवाल है यहां तक? अब जरा सिचुएशन समझ लो कि पहला वाला हाइकर था वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, 9 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, दूसरा वाला हाइकर जो है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रहा है, मतलब ईस्ट के नॉर्थ में जा रहा है, कितना? 55 डिग्री। तो ये वाला कितना है? 55 डिग्री। और कितना उसने ट्रेवल किया है? उसने तकरीबन ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर। तो कंसिडर कर लो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो यहां पे पहुंचा है, और ये वाला जो है 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद यहां पे पहुंचे हैं। अब सवाल आपको ये बोला हुआ था कि ये 10 किलोमीटर और ये 9 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आपस में कितना दूर होंगे, ये वाला पूरा डिस्टेंस, कि इनका आपस में डिस्टेंस कितना होगा, एक दूसरे से कितना दूर होंगे, ये आपको यहां पे मालूम करना है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल को लेबल करो ना, ये ए है, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो एक्चुअल में सवाल में आपको गिवन क्या है, आपको ए पे जो एंगल बन रहा है अल्फा वो गिवन है, अच्छा सी के सामने वाली साइड आपको पता है, डी के सामने वाली साइड आपको पता है, तो सी यहाँ पे है 9 किलोमीटर, बी है यहाँ पे 10 किलोमीटर, निकालना क्या है आपको, आपको ये साइड निकालनी है कि ये दोनों आपस में कितना दूर है, मतलब ए के सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हो, ए बोलते हो, तो जो अननोन है ना जो आपको यहाँ पे निकालना है वो है ए, ठीक है। तो अगेन बात वही मैंने आप लोगों को बोली है कि भाई दो साइड और एक एंगल गिवन हो तो आप हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहे होते हो, तो वही लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं यहाँ पे, आपको ए और अल्फा पता है तो दैट्स इट, आप ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस सी है 9 का स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस 55 डिग्री। पूरी चीज को बच्चों कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, फिर आपने रूट लेना है और फाइनली आपके पास ए का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जो भी ए का आंसर आएगा उसका यूनिट किलोमीटर होगा, क्योंकि बाकी दोनों किलोमीटर के अंदर है, तो ए भी किलोमीटर के अंदर आएगा और सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब आखिरी क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत बच्चों वाला सवाल है। 15 लिखा हुआ है, टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाकिस्तानी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो लोग, के दो प्लेन है भाई जहाज, उन्होंने स्टार्ट किया है अपने कराची एयरपोर्ट से एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड फ्लाई इन डायरेक्शन दैट मेक एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। वो कह रहे हैं दोनों की जो डायरेक्शन है ना, मतलब दोनों प्लेन जिस डायरेक्शन में मुड़े हैं, उन दोनों डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 127 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों साइड को किसी तरह भी बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, एक इधर गया है इधर गया है, असल चीज क्या है कि उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है 127 डिग्री बन रहा है, आप इस तरह भी डायग्राम बना सकते हो, आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा इधर ले आओ, अभी भी इनका 127 डिग्री है, तो ये मैटर नहीं करता कि लाइन आप किस तरीके से बना रहे हो, असल चीज मैटर क्या करती है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 127 डिग्री है, ये असल मैटर कर रहा है, ठीक है। लिखा हुआ देयर स्पीड आर 525 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड क्या है 525 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब कि एक घंटे में 525 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों की सेम ही है। हाफ आर अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइट, वो कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे बाद वो आपस में कितना दूर होंगे, 2 घंटे बाद, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सवाल में आप लिख देना कि स्पीड क्या है 525 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ठीक है। तो आफ्टर 2 आवर क्या होगा, आफ्टर 2 आवर्स भाई, एक घंटे में अगर वो 525 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना करेंगे, डबल इसके, तो 525 का डबल क्या होगा 1050, तो आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया होगा उन्होंने, डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 1050 किलोमीटर, एक घंटे में 525 तो 2 घंटे में 1050 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये चीज आप डाटा में मेंशन कर देना और यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर दो कि आफ्टर 2 घंटे बाद कंसीडर करो वो यहाँ पे आ गया और ये वाला आफ्टर 2 घंटे बाद यहाँ पे आ गया, तो इसने भी 1050 किलोमीटर ट्रेवल किया है और इसने भी 1050, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम थी ना, स्पीड दोनों की सेम थी, तो 2 घंटे के बाद दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सवाल ये कि वो 2 घंटे बाद आपस में कितना दूर होंगे, मतलब ये वाला पूरा डिस्टेंस आपको मालूम करना है कि आपस में कितना दूर है वो लोग, जरा लेबलिंग कर लेते ना आप लोग, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको ए बोल देना बी सी। तो डायग्राम में अगर आप देखो ए के सामने वाली साइड, ये चीज आपको यहाँ पे निकालनी है, तो जब डाटा बनाओ तो लिख देना कि ए आपको यहाँ पे निकालना है, अच्छा सी के सामने वाली साइड आपको पता है 1050 किलोमीटर, बी के सामने वाली साइड आपको पता है 1050 किलोमीटर, और जो ए पे एंगल बन रहा है अल्फा वो आपको पता है 127 डिग्री। तो ये 3 चीजें आपको पता है और आपको यहाँ पे निकालना है क्या है ए, अगेन बच्चों आपको लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है ए वाला जिसमें ए और अल्फा आता है, सॉल्व करना आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।